दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर के आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहां एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मुस्लिम धर्म को छोड़कर सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस बिल का विरोध करते हैं उनका यही कहना है कि इस बिल में आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, तीसरा भी मामला अब आ चुका है, वो है NPR का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। लेकिन मैं आपको बता दूं, नागरिकता संशोधन कानून और NRC और NPR को लेकर के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बदलाव के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया जो कि नागरिकता संशोधन कानून और NPR को लेकर के है। क्या बयान दिया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको भी लगता है नागरिकता संशोधन कानून में सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जहां एक तरफ देश में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ NRC लाने की बात कही जा रही है और NPR भी लाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो संकेत दिए हैं उससे ये लग रहा है कि CAA में बदलाव किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने रविवार को कहा कि CAA और NPR जैसे मुद्दों पर विचारपूर्ण और सकारात्मक बहस जरूरी है, मगर प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, CAA हो या फिर NPR, देशवासियों को इन पर संवैधानिक संस्थाओं, सभाओं और मीडिया में विचारपूर्ण, सार्थक तथा सकारात्मक चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। मसलन यह कब आया, क्यों आया और इसका क्या प्रभाव होगा और क्या इसमें किसी बदलाव की जरूरत है। नायडू ने कहा कि चर्चा से ही हमारा तंत्र मजबूत होगा और लोगों में जानकारी बढ़ेगी। संयुक्त आंध्र प्रदेश के दिवंगत CMM चन्ना रेड्डी के जयंती कार्यक्रमों में उद्घाटन करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र को भी लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकतंत्र में सहमति असहमति आधारभूत सिद्धांत है, कोई चीज हमें पसंद हो या नहीं, लेकिन दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिन चीजों को लेकर के लोग आज विरोध कर रहे हैं, जिन चीजों को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं आशंका है, उस पर सरकार को विचार जरूर करना चाहिए और अगर उनके खिलाफ अगर ऐसा लगता है चीजें हैं तो उन पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट जरूर करे। तो ऐसे में लग रहा है कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति को भी ये लग रहा है कि इस कानून में कहीं ना कहीं बदलाव होने चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या इस कानून में बदलाव होता है, सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।